हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है गार्डिंग क्या होती है, गार्डिंग क्यों कनेक्ट की जाती है और गार्डिंग हम कहाँ पे लगाते हैं। आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं, काफी बेसिक क्वेश्चन है जिसे आज के स्टूडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं गार्डिंग या गार्ड वायर क्या होता है। बेसिकली यदि आपने किसी भी लो टेंशन लाइन, जिसमें आपने 11 kV और 33 kV की कोई भी लो टेंशन लाइन देखी होगी, तो उस लो टेंशन लाइन में RYB जो आपके तीन फेज जा रहे होंगे, उस लो टेंशन लाइन के नीचे आपको इस तरह का एक जाल नजर आता होगा, जाल नजर आया होगा। तो ये जो जाल होता है बेसिकली इसे ही हम गार्ड वायर कहते हैं या हम गार्डिंग कहते हैं, जो कि 33 kV या 11 kV जो भी लो टेंशन लाइन होती है उसके नीचे हम बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट करते हैं। चलिए हमें ये तो समझ में आ गया गार्डिंग क्या होती है, जो भी लो टेंशन लाइन के नीचे हम प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का जो जाल लगाते हैं उसे हम गार्डिंग कहते हैं। अब गार्डिंग हम कनेक्ट क्यों करते हैं, लो टेंशन लाइन के नीचे हमने इस तरह का जाल क्यों कनेक्ट किया। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज यहाँ पे कोई रश वाला एरिया है जहाँ पे काफी भीड़ है या काफी ज्यादा लोग यहाँ पे जमा है, तो अब हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे काफी ज्यादा लोग जमा है, अब क्या होगा, सपोज कोई फॉल्ट आता है और फॉल्ट आने की कंडीशन में सपोज ये कोई हमारा तार ये कंडक्टर ये है ब्रेक हो गया। अब ये तार यदि ये कंडक्टर यदि ब्रेक हो गया तो ब्रेक होकर कहाँ पे गिरेगा, नीचे जमीन पर गिरेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जमीन पे जितने भी लोग चल रहे होंगे या जहाँ पे भी जितने भी लोग होंगे यहाँ पे, इन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा। तो उस कंडीशन में बचने के लिए यदि हम क्या करते हैं, वहां पे गार्डिंग कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, अभी यदि यहाँ से कोई कंडक्टर टूट के कोई भी यदि कंडक्टर गिरता भी है तो वह नीचे ना जाकर यही इस जाल में गिर जाएगा। इस जाल में गिरने से क्या होगा, ये जो जाल होता है बेसिकली ये होता है 4 mm GI तार का बना हुआ होता है। क्या होता है, 4 mm GI तार का बना हुआ होता है और जो पोल होता है इसे दोनों पोल दो पोलों के बीच में कनेक्ट किया जाता है और ये पोल जो होते हैं इसे हम अर्थ करके रखते हैं। अब क्या होगा, सपोज कोई कंडक्टर टूट के यहाँ पे गिरा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये तार नीचे न जाकर इस हमारे गार्डिंग के ऊपर गिरेगा और गार्डिंग हमने यहाँ पे अर्थ कर रखी है। तो अर्थिंग होने के कारण क्या होगा, फेस टू अर्थ होने से हमारा जो सर्किट ब्रेकर होगा वह ट्रिप हो जाएगा और कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा और जो भी जो एक्स्ट्रा जो अनवांटेड करंट होगा वो अर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली हम यहाँ पे गार्डिंग करते हैं। तो चलिए हमें ये तो समझ में आ गया गार्डिंग क्या होता है। तो जो लो टेंशन लाइन होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम नीचे एक तरह का जाल लगाते हैं जिसे हम गार्डिंग कहते हैं। क्यों लगाते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं ताकि नीचे कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो या किसी पर्सन को शॉक ना लगे, इसके लिए हम गार्डिंग लगाते हैं। अब मेन बात आती है इसे कहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। हर जगह तो आपने नहीं देखा होगा, पूरी ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ पे भी 11 kV 33 kV की लाइन होती है तो जहाँ पे भी रश वाला एरिया होता है, रश वाले एरिया में आप समझ सकते हैं स्कूल, जो कोई भी स्कूल हो कॉलेज हो, इसके अलावा आप देख सकते हैं हॉस्पिटल हो या कोई भी आपका जो चौराहा होता है वहां पर हो या देखा जाए मेन क्रॉसिंग एरिया होता है वहां पर हम बेसिकली गार्डिंग करते हैं। जहाँ पे भी हमें ज्यादा लोग होने की संभावना होती है और जहाँ पे भी कोई जो हमें लगता है कि हैजार्ड वाला एरिया है, जहाँ पे भी हैजार्ड ज्यादा होने के चांसेस होते हैं वहां पर हम बेसिकली गार्डिंग करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो गार्डिंग क्या होती है, क्यों कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं। काफी बेसिक क्वेश्चन था, आई होप आप क्लियर हुआ हो। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड।